और बीएसपी के अधिकारी लोग इस कार्य को रोकने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं छोटा सा डोम शेड का निर्माण हो रहा है जिसको रोका जा रहा है यानी तो पूरे प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन करेगी और बीएसपी के सामने जाके बैठेगी एक और... चेतावनी दे रहा हूं बीएसपी प्रबंधन को कि ऐसा ना हो आप दोबारा बिचारे लेबर काम कर रहे हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा पर एट जीरो जीरो थ्री जीरो नाइन वन सिक्स वन सिक्स स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक एहसास अपने का

जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं वो लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं और बाउंड्री के उस पार जो जगह दी जाती है वहां पर प्रसाद बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है इसी के साथ ही लाखों लोग हनुमान जयंती पर वहां आते हैं भंडारा करते हैं अब जो आने जाने वाले लोग हैं उनको सुविधा हो इसके लिए वहां पर डोम शेड का निर्माण किया जा रहा है इसके बावजूद भी बी अभी भी वहां पर होने वाले कार्य में खनन डाल रही है रोक लगा रही है जिसका वहां पर जो मौजूद लोग हैं वहां समिति से जुड़े लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और अगर ये काम लगातार वहां पर रोका जाता है तो प्रदेश भर में आंदोलन करने की भी बात कह रहे हैं पूरा मामला क्या है आप देखिए इस वीडियो में जब तो कल्ले साहब दुर्गे साहब यहाँ के डायरेक्टर थे और हनुमान मंदिर का जन्मोत्सव के लिए इनकी अनुमति मांग करके हम लोग भंडारा वहाँ करते थे मंदिर के प्रांगण में उनके उस परिसर में वहाँ पर भक्तों के द्वारा और जब हनुमान जन्मोत्सव का भीड़ बढ़ने लगी तब ये लोग हमसे डायरेक्टर अस्पताल के जो डायरेक्टर थे जो यहाँ के कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे जन्मोत्सव का भंडारा मत कीजिए नहीं कोई दुर्घटना घट गट जाएगी तो हमने कहा सर हम लोग करें तो करें क्या तो उन्होंने कहा कि यहाँ ना करें आप बाउंड्री के उस पार इधर मानव सेवा परिसर से जगह में भंडारा जन्मोत्सव का मना ली कर लीजिए यहाँ पे लाखों आदमी आते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद प्रसाद लेते हैं और फिर यहाँ भंडारे में आकर के जो बना हुआ होता है भक्तों के द्वारा जो यहाँ सहयोग मिलता है उसी को बना कर के अपने भक्तों को हनुमान जी के और सब लोग प्रसाद खाते हैं अपने घर को जाते हैं अभी तक शांत पूर्वक कार्य चल रहा था अब ये लोग फिर से हमने किससे नहीं मांग की भंडारे की जगह के लिए सब लोगों से मांग की कोई नहीं सुना आज हमारे कांग्रेस के नेता देवेंद्र जी भिलाई से उनसे हमने अपनी बात रखी उन्होंने हमारी बात को सुनी और सुन करके ये ड्रोन सेट का निर्माण कर रहे हैं जो कि यहाँ पर श्रद्धालु लोग ठीक से बैठ सके और प्रसाद ग्रहण कर सके और कुछ पूछना है आपत्ति कौन कर रहे हैं आपत्ति है? आज प्रबंधन कर रहा है टाउनशिप कर रहा है यहाँ के अस्पताल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो रोक लगा रहे हैं रास्ते बंद कर रहे हैं गेट लगा रहे हैं अटकाए रहे हैं नहीं तुम्हारा तो तुम्हारा कार्यक्रम आपका कार्यक्रम जैसे ही होगा उस गेट खुल जाएगा तो फिर गेट लगाने की यहाँ क्या जरूरत है और गेट भी लगाएं में तो ला तरीके से लगाएं जो आवागमन भक्तों का और यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने वालों का कोई प्रॉब्लम ना हो न कोई दुर्घटना हो हम तो भाई भातपा से मांग किए किससे नहीं मांग की आज हमारे भिलाई से देवन जादव जी विधायक हैं हम उन्हें उनसे बात रखी उन्होंने अब जिस तरह से जुगाड़ करके आकर के यहाँ अपना कार्य शुरू किया हम चाहते हैं कि प्यार सौहार्द बना रहे यहाँ कोई उपद्रोह ना हो आ? कि यहाँ पर ऐसा उपद्रोह हो जाए कि जैसे कभी हुआ ना हो आ? जैसे हमारे यूपी में राम जन्मभूमि में उपद्रव हुआ कार मारे गए कितना कितना सब वो हुआ हम ऐसा नहीं चाहते कि यहाँ पर राम जन्मभूमि भुण तरीके का रूप बने हम यहाँ प्यार त्यौहार से जीना चाहते हैं। हम आज खड़े हैं सेक्टर नाइन मंदिर के जो प्रांगण है वहाँ पे हम मंदिर समिति और जय हनुमान सेवा वाहनी के माध्यम से हम लोग ने यहाँ पे विधायक देवेंद्र यादव जी से मांग रखी थी कि यहाँ एक डोम शेड का निर्माण हो आज हम लोग उस क्षेत्र में खड़े हुए हैं मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि बीएसपी प्रबंधन के कुछ अधिकारी और कुछ और बीएसपी के अधिकारी लोग इस कार्य को रोकने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं मैं आप सबके माध्यम से ये एक चेतावनी बीएसपी प्रबंधन को देना चाह रहा हूँ आज हम लोग बड़े बड़ी मुश्किल से सब राम भक्त हनुमान भक्त जो यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं आ, अपना पूजा पाठ करवाते हैं भंडारे में अपने शिक्रत लेते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं उनके लिए ये एक छोटा सा डोम शेड का निर्माण हो रहा है जिसको रोका जा रहा है मैं प्रबंधन को ये कहना चाहता हूं अगर आपने दोबारा इस तरीके से यहाँ आके किसी भी प्रकार का रोक लगाया तो जय हनुमान सेवा वाणी पूरे प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन करेगी और बी के सामने जाके बैठेगी और साथ में धरना प्रदर्शन करेगी ये राम काज का जो काम होने जा रहा है अगर इसको रोका गया तो ये एक सीधे सीधे मैं आपके माध्यम से एक चेतावनी दे रहा हूँ बी प्रबंधन को कि ऐसा ना हो अब दोबारा कि यहाँ कोई आए यहाँ जो बिचारे लेबर काम कर रहे हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है इस तरीके का काम एक भक्तिपूर्ण जो माहौल है उसको खराब करता है इस तरीके का काम आगे दोबारा ना हो जय श्री राम और इसी संबंध में हमने बीएसपी के प्यारो जैकब कुरियन से भी बात करने की कोशिश की और उनका कहना था कि वो एक मीटिंग में है और इस विषय में फिलहाल उन्होंने बात करने की असमर्थता जताई है सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक तकनीक नहीं भरोसा पुराना एडवांस एम आर आई मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन डिजिटल एक्सरे फाइव डी एंड फोर डी कलर अल्ट्रासोनोग्राफी सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक